ग्रीटिंग्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग माई वीडियो. दिस इज़ अनिकेत गुप्ता, टीचर बायोलॉजी, कमिंग बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर ऑन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो सेशन वी विल कवर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड टिश्यू कल्चर. सो लेट्स बिगिन. नेक्स्ट वन इज मेक पॉसिबल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स विच हैव लॉस्ड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स. मीन्स ऐसे प्लांट जो सीड्स नहीं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो सीड्स को बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन से लगा सकते हैं बिना उनके सीड्स के. नेक्स्ट इज वेरियस डिज़ायर्ड वेराइटीज़ कैन बी ऑब्टेन बाय दिस प्रोसेस. जो भी वेराइटीज़ हम चाहते हैं प्लांट की, उसे हम डायरेक्टली प्रोपगेट कर सकते हैं इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, द फर्स्ट वन इज इट अलाउज क्विकर एंड ईजी प्रोपगेशन. इससे क्या कर सकते हैं हम प्लांट्स को जल्दी से जो है वो ईजली उसे हम ग्रो करवा सकते हैं. सेकेंड वन इज़ बेटर क्वालिटीज़ ऑफ द प्लांट्स कैन बी मेंटेन्ड एंड द क्वालिटी कैन बी इन्हांस्ड एज इन सीडलेस ऑरेंजेस. तो हम क्या कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी के प्लांट्स को ही क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे और उन्हें ही अपनी जो भी गार्डन्स हैं उनमें ग्रो करवाएंगे. अनदर वन इज़ प्लांट्स रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बियर्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर एज कम्पेयर टू दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. तो जो प्लांट्स हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन से लगवाए हैं उनमें फ्रूट्स और फ्लावर्स जल्दी आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो हम सीड से लगाएंगे, क्योंकि सीड को जब हम लगाएंगे तो वो जर्मिनेशन में टाइम लेता है. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम क्या करते हैं, सिंपली डायरेक्ट पार्ट जो है उसको हम लगवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जल्दी से लग जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज सम डिसएडवांटेजेस. तो उसे डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ देयर इज़ लेस अडैप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट सिंस देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशंस. यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आई हैं क्योंकि किसी भी तरह का फ्यूज़न जो है यहाँ पर नहीं हुआ, कोई न्यू सीड्स नहीं बने. जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मेकअप पेरेंट का था, वैसा ही क्या बनेगा आगे ऑफस्प्रिंग का भी बनेगा. इसमें किसी भी तरह की जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगी और लेस अडैप्टेबिलिटी होगी एनवायरनमेंट से. नेक्स्ट वन इज़ द डिज़ीज़ ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट्स ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग. जो डिज़ीज़ पेरेंट प्लांट कैरी करता था वैसी की वैसी डिज़ीज़ जो है आगे ऑफस्प्रिंग में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो उसी के पेरेंट के कुछ पार्ट से उसको बनाया हुआ है. तो जो डिज़ीज़ होगी वो आगे ऑफस्प्रिंग में भी आएगी. थर्ड वन इज़ न्यू कैरेक्टर्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस. तो यहाँ पर किसी भी तरह के नए कैरेक्टर्स नहीं आएंगे. जो प्लांट पेरेंट प्लांट में कैरेक्टर हैं वैसे के वैसे ही ऑफस्प्रिंग में आएंगे और वो डिजीज़ को कैरी करेगा. किसी भी तरह की जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगी. तो इस मेथड में वेरियस डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ टिश्यू कल्चर. And it is one of the most important and commonly used practice in biotechnology. Biotechnology एक branch है biology की, जिसमें ये tissue culture बहुत ही commonly used होती है. Now इसमें क्या होता है, new plants are grown by using growing tip of a plant. कोई भी plant है उसकी growing टिप से जो है सेल्स को लिया जाता है और उन्हीं सेल से एक नए प्लांट्स को बनाया जाता है. उन ग्रोइंग सेल्स को एक कल्चर मीडियम में रखा जाता है यहाँ पर, जहाँ पर उनको सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उनसे क्या होता है, फॉर्मेशन होती है कैलस की. कैलस क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं जो कि अभी अनडिफ्रेंशिएटेड हैं. फिर उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं, उन हार्मोन्स की मदद से उसमें रूट और शूट सिस्टम डेवलप होता है.
और अल्टीमेटली एक प्लांट की फॉर्मेशन होती है। तो वही लिखा है, कैलस इज देन ट्रांसफर टू हार्मोन मीडियम विच कॉजेज ग्रोथ एंड डिफ्रेंसीशन। ग्रोथ करवाएगा और डिफ्रेंशिएशन करवाएगा। एग्जांपल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जितने भी होते हैं हम घरों में जो लगाते हैं, वो सभी के सभी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को यूज़ करके बनाए जाते हैं, और सम ऑर्किड्स। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। एक लीफ है, लीफ के सेल्स को लिया जा रहा है और उन सेल्स को क्या किया जा रहा है, एक मीडियम में, कल्चर मीडियम में डाला जा रहा है। पेट्री प्लेट्स पड़ी हैं, उनमें डाला जा रहा है, जिससे क्या होगा कि उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स से क्या होगा, वो जो सेल्स बनेंगे और अल्टीमेटली फिर हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे वाले में, जिसमें हॉर्मोन्स होंगे, और उसके बाद उससे छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलेंगे, और उन प्लांटलेट्स को कुछ दिनों के लिए लेबॉरेटरी में ग्रो किया जाएगा, और जब वो थोड़ी मैक्स थोड़े साइज़ अटेन कर लेंगे और थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद उनको फील्ड में या फिर जो भी गार्डन्स हैं वहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो ये था टिश्यू कल्चर का प्रोसेस। सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। फर्स्टली, वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्माइन एट्सेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। वो प्लांट जो सीड बनाने की कैपेसिटी को लूज़ कर चुके हैं, उन प्लांट्स को हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, और जो नए प्लांट्स बनेंगे वो बिल्कुल ही जेनेटिकली, जिनका जो जेनेटिक मेकअप होगा बिल्कुल सेम होगा पेरेंट्स। अगर एक पेरेंट वेराइटी बहुत अच्छी है तो उन प्लांट्स को हम यूज़ करके आगे ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, और वैसी की वैसी वेराइटीज़ जो है हमें ज़्यादा मात्रा में मिल पाएगी और उसे हम ग्रो करवाएंगे। नाउ थर्ड वन इज़ हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं वाटरमेलन लाइक, जिसमें हम सीड्स नहीं चाहते, तो जिससे हम क्या करते हैं, कुछ जीन्स को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि सीडलेस फ्रूट्स जो है वो बना सकते हैं इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प। So this is all about for today's topic. Thank you so much. Please subscribe my channel. Thank you so much.